तो हम अपने दोस्तों के साथ दोनों बाइक अपाचे और स्प्लेंडर में पेट्रोल डलवा के टैंक फुल करा के चल दिए यहाँ से। और ये हम आ चुके हैं अपने हरिद्वार रूम पर, भीम गोड़ा में रूम लिया है। ज़्यादा महंगा नहीं है, 800 रुपये में रूम लिया है। पूरा किरण होटल हरिद्वार, अब कुछ समय बाद निकलेंगे मतलब केदारनाथ के लिए सीधा सोनप्रिया। और हरिद्वार ऋषिकेश से निकलने के बाद ये पहाड़ मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे देखभाल की गाड़ी चलानी है और आराम से मस्ती में जाना है। 40-30 की स्पीड से जाएंगे, आराम से शाम तक पहुँच जाते हैं 4-5 बजे तक, और सफ़र का मज़ा लेते हैं। मिलते हैं आगे श्रीनगर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। श्रीनगर में हमारी एक बाइक ख़राब हो जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई और हम यहाँ पर रुक गए थे। तो हम यहाँ श्रीनगर से लगभग 120 किलोमीटर गौरीकुंड पैदा और यहाँ से चल दिए आगे के लिए। और अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि सामान पीछे ही खरीद लें, जितना ऊपर जाएंगे इतनी महंगाई ज़्यादा होगी और सामान महंगा मिलेगा। फाइनली गाइस, हम आ गए हैं सोनप्रयाग और यहाँ से हमने शुरू कर दी है। तो हम आ चुके हैं अब सोनप्रयाग और यहाँ से गौरीकुंड के लिए हम एक टैक्सी पकड़ेंगे जो 50 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लेगा। अगर आपको शाम सोनप्रयाग में होती है तो अच्छा है गौरीकुंड या सोनप्रयाग में ना लेकर कमरा पीछे ही ले सकते हैं, वहाँ पे सस्ता मिलेगा, सोनप्रयाग में महंगा मिलता है। यहाँ हम पार्किंग में बाइक खड़ी करके अब चल दिए हैं सोनप्रयाग मार्ग से गौरीकुंड की तरफ, और वहीं से कुछ दूरी से टैक्सी मिलेगी। सोनप्रयाग में 2 पार्किंग मिलेंगी, बेहतर होगा आप पहली पार्किंग में ना गाड़ी खड़ी करके दूसरी पार्किंग में गाड़ी पार्क करें और वहाँ से आपको गौरीकुंड पास पड़ेगा, जिससे पैदल चलने की आपका कष्ट बच जाएगा। पार्किंग में हेलमेट और बैग रखने की व्यवस्था भी है, जो 50 रुपये 12 घंटे के लेता है एक हेलमेट के, आप वहाँ पे रख सकते हैं। चढ़ाई शुरू करने से पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बदले में पर्ची कुछ इस तरह की मिलेगी। अच्छा होगा आप रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा शुरू करें, जिससे आपकी गिनती होगी कि आप केदारनाथ आए हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के बाद यहाँ से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाती है जो पैदल यात्रा है, ज़्यादा नहीं है। आराम से चलेंगे, शाम 4 बजे तक आराम से पहुँच जाते हैं। महादेव जी का नाम लो, गौरीकुंड में स्नान कर, यहाँ के गौरीकुंड का पानी गर्म रहता है, यहाँ पे स्नान करो और कपड़े पहनने के बाद यात्रा शुरू कर दो। पैदल यात्रा शुरू करते ही आपको अच्छे अच्छे सुंदर नज़ारे झरने देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं बहुत प्रसन्न था, मेरे सारा मित्र बहुत खुश था। जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। केदारनाथ के लिए घोड़ा, केदारनाथ गौरीकुंड से हमने 9 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अब ज़्यादा नहीं बचा, लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे केदारनाथ धाम है और करते हैं बाबा के दर्शन। ग्लेशियर ले इधर ले, आठ घंटे हो जाएंगे। चल रहे हैं। यहाँ हम कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं और यहाँ पे पकौड़ी 200 रुपये किलो, जलेबी 300 रुपये किलो है। बेहतर होगा पीछे ही कुछ खाएं, आगे बहुत महंगा है। ये आ चुके हैं हम केदारनाथ और ये बाबा का मंदिर, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। लोगों का शहर है और यहाँ आने का जो सपना होता है बहुत लोगों को होता है, मेरे को होता है। मैं दूसरी बार आया हूँ, आप समझ नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी है आने के बाद, बहुत ज़्यादा।
तो ये आप लोग भी कीजिए महादेव जी, केदारनाथ जी के दर्शन, सुंदर दर्शन। ये श्री केदारनाथ जी मंदिर है और यही केदारनाथ धाम है जिसे स्वर्ग कहते हैं। जीते जी अगर स्वर्ग है तो वो यही है उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ धाम में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये पत्थर जो टुकड़ा ये भीम चला, इसने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी 2013 के बाद में। केदारनाथ जी के दर्शन करके ये अपने केदारनाथ धाम। ये हम आ गए हैं भैरवनाथ मंदिर पे, जहाँ थोड़ी चढ़ाई करने के बाद सामने से ही केदारनाथ धाम के अच्छे से दर्शन होते हैं। हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ केदारनाथ धाम में महादेव जी की आरती शुरू होने का टाइम हो गया है। शाम के समय में हमने ही केदारनाथ में रूम लिया है और रूम लेने के बाद रात को यहीं रात गुजारी और अब सुबह मिलते हैं, केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे और सुबह ही दर्शन करके वापस गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। ये आदि शंकराचार्य जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर जल चढ़ा हम यहाँ का भ्रमण कर अब वापस गौरीकुंड के लिए लौट रहे हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी समय बाद। हरिद्वार, हर हर महादेव, जय इंडिया भारत, जय सनातन धर्म। मित्रों पहली बार ब्लॉग बनाया है, मैं एडिटिंग भी नहीं जानता हूँ और ब्लॉग बनाने भी जानता हूँ, तो जैसा भी है त्रुटि हो तो माफ़ करना। धन्यवाद। हर हर महादेव। जिसने देखा सभी का धन्यवाद, अच्छा लगे तो शेयर करो। यहाँ लौट में चाय पी कर हम सीधा हरिद्वार और हरिद्वार से अपना सीधा घर। हर हर महादेव।